हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे अडोबी एनिमेट ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स पार्ट 13। तो पार्ट 13 में हम देखेंगे एनिमी वॉल साइकिल। जी हाँ दोस्तों, हम अपने कैरेक्टर को आज चलाएंगे वॉल साइकिल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो अपना अडोबी एनिमेट है वो ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो अडोबी एनिमेट है वो लोड हो चुका है। यहाँ से मैं फाइल में जाके न्यू पेज लूँगा। एक्शन स्क्रिप्ट 3.0 और यहाँ से मैं क्रिएट कर दूंगा। जैसे ही मैं क्रिएट करता हूँ यहाँ पे एक पेज लोड हो जाता है। लोड होने में थोड़ी देर लगती है। ठीक है, तो ये हमारा पेज जो है वो लोड हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, अपने वेब ब्राउज़र में जाऊँगा। तो यहाँ पे मैं क्रोम ब्राउज़र ओपन करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लिया है। अब मैं यहाँ पे सर्च करूँगा बॉय कैरेक्टर वेक्टर। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों, इमेजेस में जाऊँगा तो यहाँ पे बहुत सारे बॉय के कैरेक्टर आ चुके हैं। मैं यहाँ पे ऑल में जाऊँगा और बॉय कैरेक्टर वेक्टर फ्री पिक। जी हाँ दोस्तों, फ्री पिक एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ से आप कैरेक्टर बाय कर सकते हैं। कोई भी वेक्टर बाय बाय कर सकते हैं और फ्री में भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप फ्री में लेना चाहें तो यहाँ पे फ्री में क्लिक कीजिए। अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे प्रीमियम पे क्लिक कीजिए। ठीक है, तो प्रीमियम पे ऑल प्रीमियम वेक्टर आएंगे। मैं फ्री कॉन, ये देखिए दोस्तों, ये सब प्रीमियम कैरेक्टर्स हैं और यहाँ से फ्री है तो मैं फ्री ही लेना चाहूँगा। अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों मैं यहाँ से कैरेक्टर ले लेता हूँ। तो वॉल्क साइकिल के लिए हमें कैरेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए मैं एक कैरेक्टर चूज़ कर लूँगा यहाँ पे। यहाँ पे प्रीमियम को हटा देता हूँ मैं ताकि फ्री कैरेक्टर ही आए हमारे। तो अब एक कैरेक्टर सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। तो ये वाला कलेक्टर ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे डाउनलोड करूँगा और यहाँ से फ्री डाउनलोड करूँगा। ठीक है, यहाँ से मैं स्टार्ट डाउनलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारा जो कैरेक्टर है वो डाउनलोड हो चुका है। मैं ओपन फोल्डर करता हूँ। तो ये रहा दोस्तों, तो यहाँ से मैं इसको कट कर लूँगा और डेस्कटॉप या फिर पार्ट 13 यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है। मैं इसको सिर्फ डिलीट करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको एक्सट्रैक्ट करूँगा। 7 जिप, मैंने 7 जिप डाला हुआ है। यहाँ पे मैं एक्सट्रैक्ट करूँगा, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। मैं 7 जिप के करूँगा। ठीक है, तो ये जो है हमारा एक्सट्रैक्ट हो चुका है। देखिए दोस्तों, यहाँ कितनी तरीके की फाइल है। 1 2 3, एक JPG होता है।
जिसे आप वर्क साइकिल में नहीं यूज़ करेंगे। और एक होता है एआई, जो एआई है वो अडोबी एनिमेट में सपोर्ट करता है, ठीक है। और जो ईपीएस, ईपीएस होता है वो इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप वगैरह को सपोर्ट करता है। तो अगर आप ईपीएस फाइल यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे सिंपली एक बार क्लिक कीजिए और वापस से दूसरी बार क्लिक कीजिए और यहाँ पे ईपीएस निकाल के एआई, या ध्यान रखिएगा जो डॉट है वहाँ से जो फाइल एक्सटेंशन होता है वहीं से एआई लिखें। कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पे एआई फाइल तो अभी आई है, लेकिन कभी कभी जेपीजी और ईपीएस फाइल ही होती है फाइल के अंदर, तो हमें ईपीएस फाइल को एआई फाइल में कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। एआई जो है वो इलस्ट्रेटर की फाइल होती है, तो हमारा जो कैरेक्टर है वो अडोबी इलस्ट्रेटर नाम का जो सॉफ्टवेयर आता है उसमें बनाई गई है, लेकिन हम अडोबी एनिमेट में उसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ईपीएस को एआई में कन्वर्ट कर दीजिए और सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए यहाँ पे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ऐसा एक आपको विंडोज़ खुलेगा। आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा प्लेस ऑब्जेक्ट एट ओरिजिनल पोजिशन, ये वाला चेक रखना है और बाकी तीन ऑन चेक रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्ट ऑल लेयर्स नहीं करना है, ये सिलेक्टेड हैं सभी, यहाँ से सिर्फ इंपोर्ट कर लेना है, ठीक है। इंपोर्ट, तो हमारा जो कैरेक्टर है वो पूरा इंपोर्ट हो चुका है। अभी देखिए दोस्तों, ये जो हैंड है, ठीक है, ये हैंड हमें काम आएंगे। हमें कैरेक्टर तीन में से चार में से एक ही चाहिए, तो मैं बाकी के ये वाला सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। ये भी सर हमें कोई भी नहीं चाहिए, तो सिर उड़ा देता हूँ मैं यहाँ से, ये और ये वाला, ये सब उड़ा दिया मैंने, ठीक है। ये डिज़ाइन एंड बाय वाला जो है वो डिलीट कर देता हूँ मैं, एक ही लेयर बचा है ऑब्जेक्ट का। यहाँ पे ये पैर यहाँ पे ले लेता हूँ और ये हैंड जो है वो यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा कैरेक्टर है जो, और बाकी काम की चीज़ें मैंने रखी हैं, बाकी की निकाल दी है। अब हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करके F8 देंगे, F8, और यहाँ से ग्राफिक दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं, आप नाम भी दे सकते हैं साइम्बल का, मैं वॉल कैरेक्टर लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। यहाँ से मैं डबल क्लिक करूँगा और वर्क कैरेक्टर के अंदर आ जाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं थोड़ा ऐसा कर लेता हूँ टाइमलाइन, ठीक है, ऐसे रखता हूँ। और वापस से अपने वेब ब्राउज़र में जाऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा वर्क साइकिल, ठीक है, वर्क साइकिल लिखूँगा, एंटर करूँगा, इमेज में जाऊँगा और यहाँ से मैं एक इमेज डाउनलोड करूँगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो होती है वो हाफ इमेज होती है, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप पूरा वर्क साइकिल यूज़ करना चाहते हैं तो ये वाली बेस्ट है। देखिए दोस्तों, ये भी है, इसका हैंड नहीं है, मैं बैक जाऊंगा वापस, ये वाली यूज़ कर सकते हैं आप। आप दूसरी भी देख लीजिए जो आपको अच्छी लगे। आप यहाँ से भी देख सकते हैं वर्क साइकिल, ये वाला भी देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से एक इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ, ये कितना है गिन लेता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 है, ये भी चलेगा वैसे भी, तो ठीक है, हम इसी को यूज़ कर लेते हैं। यहाँ से सेव इमेजेस करूँगा, आप कोई भी इमेज वहाँ से जो आपको ठीक लगे वो डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मैं अपने फोल्डर में ही डाउनलोड करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा और पार्ट 13 मैंने यहाँ पे फोल्डर बनाया है ये वाला, यहाँ पे मैं कर लूँगा इसको सेव, ठीक है। तो ये जो इमेज है आप ये वाली भी कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, 9 की है, ये भी अच्छी रहेगी, तो आपको ज़्यादा मेहनत थोड़ी नहीं करनी पड़ेगी। इसको भी मैं सेव कर लेता हूँ। ओके, तो मैंने दो इमेज सेव कर ली है, आप भी जो चाहे एक सही वाली देख के सेव कर सकते हैं। मैं यहाँ से ब्राउज़र को क्लोज कर देता हूँ, अभी हमें ब्राउज़र की कोई ज़रूरत नहीं है। वापस से अपने अडोबी एनिमेट में आ जाते हैं हम लोग,
ओके तो यहाँ पे मैं एक न्यू नया लूँगा इमेज के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इमेज, इमेज लिख दिया मैंने, यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। ओ यहाँ से हमसे गलती हो गई है, जो हमारा कैरेक्टर है उसी में मैंने, तो ये हमारा हो गया कैरेक्टर। यहाँ पे मैं कैरेक्टर लिख देता हूँ और यहाँ पे इमेज कर देता हूँ, ठीक है। इमेज जो इमेज रहेगी वो हमारी नीचे वाले लेयर में रहेगी, तो यहाँ से मैं इसको नीचे ले लेता हूँ, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करूँगा, जो हमने इमेज इंपोर्ट किया है, कौन सा वाला था, ये वाला इमेज जो डाउनलोड किया है उसको हम इंपोर्ट कर लेंगे। तो यहाँ से सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा, याद ध्यान रखिएगा मैंने इमेज वाले लेयर में किया है वो। यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ क्लोज, ये रहा हमारा इमेज, ठीक है। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लूँगा, अल्टर शिफ्ट, अल्टर और शिफ्ट प्रेस करके इसे खींचूँगा मैं, छोटा करूँगा, आपको दिखा देता हूँ। अल्टर और शिफ्ट के साथ खींच रहा हूँ मैं, तो हमारा कैरेक्टर जो है वो उसकी हाइट इतनी है, तो यहाँ से मैं इतना कर लेता हूँ, इतना चलेगा। ओके ठीक है। अब मैं जूम करता हूँ यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने गिना था 9 स्टेप्स हैं, ठीक है। तो ये पहली फ्रेम पे है, ये 5वीं फ्रेम पे है, ठीक है। ये 9 फ्रेम है, 13 17 ऐसे लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो 33 फ्रेम तक यहाँ पे एनिमेशन किया है, तो हम भी वैसा ही करेंगे यहाँ पे। और 5 फ्रेम पे F6 करेंगे, इसको पहले F5 कर देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे 1 5 और यहाँ पे 9 लिखा है, 9 पे मैं F5 करूँगा, सॉरी F6 करूँगा, और 10 11 12 और 13 पे मैं वापस से F6 करूँगा, और 15 16 17 पे मैं वापस F6 करूँगा। यहाँ पे देख सकते हैं 21, तो मैं 20 और 21 पे F6 करूँगा, 25 तो मैं 25 पे F6 करूँगा, और जो लास्ट में है 2 बचे 29, तो मैं 29 पे यहाँ पे F6 करूँगा, और 33 तो यहाँ पे 30 है, 31 33, तो यहाँ पे मैं F6 करूँगा। इसको मैं F5 कर देता हूँ यहाँ तक, ठीक है। तो इसको रिमूव कर देंगे हम, लास्ट में जो है 33 तक हम F5 ही रखेंगे, ये लास्ट वाला लेयर है। तो आप देख सकते हैं हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, यहाँ पे 8 हुआ है। मैं यहाँ पे वापस गिन लेता हूँ कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वापस से देख लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो बीच में हमने शायद छोड़ दिया है, 8 हुआ है। यहाँ पे 33 पे एक और फ्रेम है, ठीक है, 31 32 33, ओके। यहाँ पे मैं F6 करूँगा और उसको 4 फ्रेम, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, 4 फ्रेम है, तो इसको भी 1 2 3 और 4 फ्रेम तक F6 F5 कर दूँगा, और यहाँ पे भी ऐसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने जो 9 फ्रेम को अलग अलग कर दिया है, चार चार फ्रेम है दर हर एक, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करना है, देखिए हम पहली फ्रेम में आ जाते हैं, यहाँ पे जो हमारा कैरेक्टर है और वहाँ पे जो पीछे पीछे वाला कैरेक्टर है उसको हम पोजीशन वो वाले करेंगे, तो पैर हमें यहाँ यहीं पे रखना है। इसको मैं सिलेक्ट करके Ctrl B करूँगा, क्योंकि वेक्टर डाउनलोड किया है हमें, तो मैं Ctrl B करूँगा, यहाँ से इतना मैं सिलेक्ट कर लूँगा और इसको नीचे Ctrl Z कर लेता हूँ। जो हमारी इमेज है वो सिलेक्ट हो चुकी है, तो इमेज को हम सबसे पहले लॉक कर देंगे, ठीक है, लॉक कर देता हूँ। अभी हम कैरेक्टर को नीचे लाएंगे इतना यहाँ तक, ठीक है, ये ठीक लग रहा है। अभी पैर जो है, पैर को सिलेक्ट करता हूँ, इसको ऐसे रखना है, ठीक है, और इस पैर को सिलेक्ट करके ऐसे रखना है,
ठीक है, और हमारा जो कैरेक्टर है उसको मैं थोड़ा सा यहाँ से ऐसे कर लेता हूँ पीछे की तरफ ऐसे, और ये वाला जो पैर है उसको मैं यहाँ पे लाऊंगा पिवट पॉइंट, और थोड़ा सा पीछे कर लूँगा इतना, ठीक है इतना चलेगा। तो ये जो हमारा पहला पोज है वो ऑलमोस्ट बन के तैयार हो चुका है, इसको हम नीचे लाएंगे इतना, ठीक है ये हो गया। क्या हमारा कैरेक्टर ऐसा ही था? मुझे एक बार खोल के देख लेता हूँ कि हमारा कैरेक्टर कैसा लग रहा था। तो जिस पीसी में पार्ट 13 में जो इमेज है वो हम देखेंगे यहाँ पे। देखिए दोस्तों ये तो यहाँ पे ये ऐसा ही है, इसको मैं वापस से वहाँ पे जाऊँगा। ऐसा कर देंगे हम, या फिर आप इसको निकाल भी दे सकते हैं, या फिर आपको इसका ठीक भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं कंट्रोल बी कर देता हूँ, और यहाँ से इसको ऐसा कर देता हूँ, यहाँ से कंट्रोल जेड ऐसे, ठीक है। तो ये अच्छा लग रहा है, अभी इतना चलेगा। अभी इसका हैंड जो है वो ठीक कर देते हैं, तो ये वाला जो है मैं यहाँ से कंट्रोल बी करता हूँ, ठीक है ये वाला सिलेक्ट करूँगा इतना, और यहाँ से मैं कर देता हूँ इसको सीधा ऐसे, यहाँ से इसको थोड़ा मूव करूँगा यहाँ तक इतना, और इसको जो है यहाँ से ऐसे कर दूँगा। आपको सिर्फ पोजीशन ही सेट करनी है, ठीक है ऐसे कर दूंगा, और ये वाला जो है इसको कंट्रोल बी करता हूँ मैं, इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से ऐसे कर देंगे, ठीक है तो इतना चलेगा। अभी हम नेक्स्ट वाले पोज पे आ जाते हैं। तो ये पहला पोज जो है हमारा रेडी हो चुका है, तो यहाँ पे अब हमें इन हैंड्स की ज़रूरत नहीं है, इन पैरों की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अभी हम नेक्स्ट पे आ जाता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे F6 करना है इमेज वाले लेयर पे, इसको पहले अनलॉक कर दिया मैंने, और यहाँ पे मैं करूँगा F6, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इस इमेज को लूँ सिलेक्ट करूँगा, और इमेज को शिफ्ट के साथ, ठीक है याद रखिए शिफ्ट के साथ मूव करना है, तो यहाँ पे इतना मूव करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक हमने मूव कर दिया इसको, इमेज को इमेज वापस से लॉक कर देता हूँ मैं, जूम करूँगा और कैरेक्टर को कंट्रोल बी करूँगा, कैरेक्टर को सिलेक्ट करके नीचे ले आएंगे इसको। सबसे पहले मैं इसको साइड पर कर देता हूँ, ये जो पैर वाला पोर्शन है उसको सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे ला देता हूँ, ठीक है यहाँ पे ये रहेगा यहाँ पे, ठीक है। नीचे का लेवल आप ध्यान रखिएगा, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ऐसे ऐसे कर देता हूँ, इसको जो है यहाँ पकड़ के ऐसे रोटेट कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा करना पड़ेगा छोटा यहाँ से इतना, ठीक है। तो ये ठीक लग रहा है। अब क्या करूँगा मैं, ये वाला जो है वो यहाँ पे कर दूँगा ऐसे, और ये वाले को थोड़ा सा छोटा कर दूँगा यहाँ, और इसको जो है यहाँ पे रख के मूव कर दूँगा, ठीक है ऐसे थोड़ा सा ही छोटा करूँगा मैं, और इस पैर को ऐसे नीचे की तरफ मूव कर दूँगा, क्योंकि उस एनिमी से हमारा एनिमी का पैर थोड़ा लंबा है, तो हमारा कैरेक्टर जो है उसको मैं पूरा सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे ले आऊँगा वापस,
इसको पाइवेट पॉइंट नीचे लाऊंगा और आगे की तरफ थोड़ा मूव करूंगा इतना। ठीक है, तो इतना सही है। अब हम हैंड की बात करें तो ये वाला जो है इसको कंट्रोल बी कर देता हूँ मैं, ये वाला सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे। इसको क्या करूँगा मैं, यहाँ पे लाऊंगा और इतना मूव करूँगा ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके यहाँ से मूव कर दूँगा, तो ये इतना मूव होगा। इसको नीचे ले आता हूँ थोड़ा, इसको थोड़ा आगे ले लेंगे। ऐसे और इसको मैं कर दूंगा ऐसा। ठीक है, देखिए दोस्तों ये जो हैंड है वो हमारा हो चुका है। आप चाहे तो इसे इतना टेढ़ा मत रखिए। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा ऐसा कर देता हूँ ऐसे, तो ये अच्छा नहीं लग रहा उसके हिसाब से भी। यहाँ से थोड़ा मैं ऐसा कर देता हूँ, ठीक है, तो इतना चलेगा। ओके, और दूसरा वाला हैंड जो है वो मैं सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल बी कर देता हूँ यहाँ पे पहले। इस हैंड को सिलेक्ट करके यहाँ से ऐसे कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको जो है कंट्रोल एक्स करूँगा मैं और यहाँ पे पेस्ट इन प्लेस कर दूँगा तो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब हम मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ, इसको सिलेक्ट करूँगा, शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट करूँगा। ये हैंड जो है सिलेक्ट हो चुका है, यहाँ पे मैं पूरा सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ से पाइवेट पॉइंट यहाँ पे लग के इसको नीचे की तरफ मूव कर लूँगा। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है वो मूव हो चुका है। अब ये दिक्कत जो हो रही है उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा, इसको कंट्रोल एक्स सिलेक्ट करूँगा मैं, यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे पेस्टिंग प्लेस कर दूँगा, वापस से वॉल्क साइकिल ओके कर दूँगा। तो देखिए ये जो है अंदर जा चुका है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो दूसरा पोज है हमने बना लिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो एक्स्ट्रा हैंड वगैरह है उसको डिलीट कर देंगे, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से डिलीट, यहाँ से डिलीट, ये मैंने इसलिए लिया था कि हमें शायद वो काम आ सकता है। ठीक है, लेकिन हमें कोई काम नहीं आ रहा। यहाँ पे मैं F6 करता हूँ इमेज में, आप देखिए F6, इमेज को अलग कर लिया, अनलॉक करूँगा, वापस से इमेज सेलेक्ट करूँगा और शिफ्ट के साथ ऐसे मूव कर लूँगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसे मूव कर लूँगा। ओके, मैं इसको कर देता हूँ लॉक। तो दोस्तों यहाँ पे हमने इमेज को जो है लॉक कर लिया है। अब मैं क्या करूँगा, तीसरा पोज बनाएंगे इसका। ठीक है, तो यहाँ पे सिलेक्ट करके कंट्रोल बी कर लूँगा मैं। ओके, ये वाला जो पैर है वो ऐसे कर दूंगा यहाँ पे, और ये वाला जो पैर है वो यहाँ पे रख के ऐसे कर दूंगा। ठीक है, ऐसे इसको ऐसे कर दूंगा और यहाँ पे इसको जूम करूँगा मैं और इसको कर देंगे यहाँ पे ऐसा। ठीक है, ये हो गया। और ये वाला पैर, ओके ठीक है, चलेगा। अभी हैंड के बारे, ठीक है, तो यहाँ से ये वाला हैंड तो नहीं दिखा, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं।
कंट्रोल जेड करूँगा मैं, यहाँ से हाइड कर दूँगा, वो देखूँगा दोनों हाथ नीचे की तरफ हैं, तो इसको हाथ को हम कर देते हैं सीधा ऐसे, इसको नीचे ले आता हूँ, इसको सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल बी, इन दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ से ऐसे इसको नीचे कर लूँगा इतना, और ये भी है, हाथ जो है उसको भी हम कर लेंगे सीधा, और ये जो बॉडी है उसको सिलेक्ट करके थोड़ा आगे की तरफ ले लेता हूँ ऐसे, ठीक है ऐसे रहेगा ना, तो ये वाला पोज भी हमारा हो चुका है। अभी हम नेक्स्ट पोज की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पे मैं F6 करूँगा और यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, इमेज इमेज को मैं लूँगा पीछे की तरफ, जो फोर्थ नंबर का हमारा जो है वहाँ पे ले जाऊँगा मैं, ठीक है। और आपने नोटिस किया होगा या नहीं किया होगा, लेकिन ये वाला जो पैर है, ये पीछे ब्लैक वाला जो है वो उस तरफ का पैर है, जबकि हमने जो इस तरफ का पैर है उसे पीछे की तरफ के है, तो अभी हमें क्या करना है, इसका उल्टा करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये ब्लैक कलर का पैर जो है वो उठा रहा है, मतलब ये आगे वाला पैर नहीं उठाना है हमें, पीछे वाला उठाना है, ठीक है। तो मैं पीछे वाले पैर को एक बार कंट्रोल बी कर देता हूँ यहाँ पे, और इस पैर को सिलेक्ट करूँगा यहाँ से, और इतना आगे ले लूँगा यहाँ तक, मतलब याद रखिएगा जो ब्लैक वाला पैर है वो हमारा ये है, और वाइट वाला जो है ये ब्लैक वाला पैर है जो मैं मूव कर रहा हूँ, और वाइट वाला जो है आप पहले डिसाइड कर लीजिए कि आपका ब्लैक वाला कौन सा है और वाइट वाला कौन सा रखना है, ठीक है। तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, तो मेरा जो पहले वाला है वो ब्लैक है, तो मैं उसी के हिसाब से जाऊँगा, ये दूसरा वाला जो है वो मेरा वाइट है, ठीक है। तो यहाँ से मैं ऐसे कर लेता हूँ और इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे ले आता हूँ, इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे ले आता हूँ, इसको सीधा कर लेता हूँ ऐसे, इन दोनों को कंट्रोल जेड करता हूँ, इमेज को लॉक कर देता हूँ क्योंकि इमेज हो रही है हमारी मूव, इसको पीछे ले आऊँगा ऐसे, और इसको मैं ले आऊँगा यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया, अभी हैंड की बात करूँ तो मैं इसको हाइड कर देता हूँ एक आगे की तरफ, आगे का आगे की तरफ है, तो मैं इसको आगे की तरफ ले आता हूँ ऐसे, और ये वाला जो है वो पीछे की तरफ है, कंट्रोल बी करूँगा यहाँ पे, इसको मैं मूव करूँगा इतना, और इसको सिलेक्ट करके पीछे की तरफ मूव कर लूँगा। ठीक है, तो ये हमारा जो चौथा पोज है वो भी रेडी हो चुका है, यहाँ पे F6 करता हूँ मैं वापस से, और ये वाले पोज पे आ जाता हूँ, यहाँ से मैं क्या करूँगा इस सीप के साथ इसको मूव करूँगा ऐसे, ओके ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इस लेयर को हमने पहले से ही गलती की हुई है, तो मैं इस लेयर को क्या करूँगा, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। ये चार है, ये चार है, ठीक है, तो इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी फ्रेम्स, और यहाँ पे पेस्ट फ्रेम कर देता हूँ, पेस्ट फ्रेम, तो हमने जो गलती की है वो वापस नहीं होगी,
ठीक है, तो ये जो चार फ्रेम है वो वही है, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। यहाँ तक एक फ्रेम की ज़रूरत नहीं है, हम निकाल देते हैं, रिमूव फ्रेम से। यहाँ पे एक फ्रेम वैसे भी एक्स्ट्रा दिया हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहली फ्रेम में आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो पेयर एक्सचेंज कर देंगे हम, यहाँ पे ये जो ये है उसको हम कर देंगे यहाँ पे ऐसे, पीछे वाला पैर, ये जो है आगे वाला पैर है। कंट्रोल जेड कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करूँगा, इसको यहाँ पे पकड़ूँगा और यहाँ पे कर दूँगा, ठीक है। ये यहाँ पे रहेगा और जो ये वाला पैर है वो रहेगा यहाँ पे ऐसे, ठीक है, ऐसे रहेगा। तो ये पहला पोज हमारा हो चुका है। अभी हम दूसरे पे जाएंगे, हमने क्या किया था, सिर्फ पैर उल्टे कर दिए थे, तो वही हमें सीधा करना है वापस। इसको मैं यहाँ पे लाऊंगा और इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे लाऊंगा, बस आपको इतना ही करना है। इमेज को लॉक कर लेता हूँ, ये वाला यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ पे थोड़ा ये इसको मैं ऊपर ले लेता हूँ, ध्यान रखिए आपको सही से करना है। मैं बस आपको दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ, आपको एकदम सही से करना है, ठीक है। आपको सिर्फ आइडिया आ जाएगा कि वर्क साइकिल वो कैसे होता है, ठीक है, बाकी आप बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, अब हम दूसरे फ्रेम में जाएंगे, हमें सिर्फ पेयर एक्सचेंज करना है, ठीक है। तो ये वाला जो है ये सीधा रहेगा ऐसे, तो ये वाला एक्सचेंज कर देता हूँ मैं यहाँ पे, और ये वाला जो है थोड़ा टेढ़ा रहेगा इतना ऐसे, ये हो गया। अब ये वाला जो है उसे भी एक्सचेंज कर लेते हैं, तो ये वाला सीधा रहेगा ऐसे, ये वाला जो है वो टेढ़ा रहेगा। हम सिर्फ पैर एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमने किया था उल्टा, ठीक है। ये पैर जो है हमने उल्टे सिलेक्ट किए थे, जो आगे वाला पैर था वो पीछे कर दिया था और पीछे वाला पैर जो है आगे कर दिया था, तो इसीलिए मैंने जो ये कॉपी करके अगले फ्रेम में डाल दिया, क्योंकि आगे के फ्रेम में इसका उल्टा ही होता है, ठीक है। तो ये हो गया है हमारा यहाँ पे, ठीक। तो 1 2 3 4, ये फोर फ्रेम जो है मैंने सही कर लिए, ठीक है। अब इसकी बारी है, तो यहाँ पे आऊँगा मैं, इमेज को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे लाऊँगा मैं, ओके। तो अब क्या करना रहेगा, जो हमारा डार्क हैंड है वो पीछे का हैंड है, तो कंट्रोल जेड करता हूँ, यहाँ पे इमेज को लॉक कर देता हूँ मैं, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से इसको मैं कर लूँगा ऐसे, सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से इसको कर दूंगा पीछे की तरफ, थोड़ा नीचे लाऊंगा, ठीक है इतना, और इसको सिलेक्ट करके आगे की ओर कर देता हूँ ऐसे, ठीक है। यहाँ से ये रहेगा आगे की तरफ, ठीक है। ये हो गया, अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, पैर का एनिमेशन हमने पहले ही कर दिया है, ठीक है।
क्योंकि पिछली वाली फ्रेम में हमने उल्टा किया था, उल्टा, समझ रहे हो ना? तो अब हम सिर्फ हैंड का एनिमेशन कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मैं करता हूँ, जो डार्क वाला है वो ये वाला पीछे वाला है हमारा, ये कंट्रोल जेड करता हूँ, वापस से यहाँ पे लॉक करना भूल जाता हूँ मैं बार बार, यहाँ से सिलेक्ट करके ऐसे यहाँ पे पूरा सिलेक्ट करूँगा मैं ऐसे, और यहाँ से पॉइंट लगा के मैं वो पीछे की तरफ कर दूँगा इतना, ठीक है? और आगे का सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं अभी, ये वाला और ये वाला, ठीक है, शिप के साथ। और यहाँ पे इसको मैं कर लेता हूँ आगे की तरफ, इसको सही से सेट कर लूँगा मैं, थोड़ा सा नीचे ले आऊँगा इसको और इसको, ठीक है, इसको थोड़ा नीचे करेंगे, देख लेते हैं कितना है, तो थोड़ा सा ही है तो थोड़ा नीचे कर लेते हैं, ठीक है, ये हो गया। अभी हम नेक्स्ट फ्रेम पे जाएंगे, F6 करेंगे इमेज को, इमेज को अनलॉक करेंगे और इमेज को सिलेक्ट करके पीछे की तरफ ले लेंगे, ठीक है, इतना लेंगे, इसको लॉक कर दूंगा इमेज को वापस से, बॉडी को थोड़ा सा आगे की तरफ मूव किया करता हूँ ऐसे, ओके, जो हैंड पोजीशन है वो देख लेते हैं, तो दोनों सीधा है तो ये चलेगा एकदम सही है। अभी जो लास्ट वाला है हमारा ये वाला है, ये वाला देखिए 33 लिखा है यहाँ पे, ये वाला जो है वो फर्स्ट वन है, जो पहले वाला पहला स्टेप वो, और ये देखिए ब्लैक हैंड ब्लैक पैर, ब्लैक हैंड ब्लैक पैर, और वो एकदम वैसा ही है, तो यहाँ से वापस वो यहाँ पे आने वाला ही है जब प्ले होगा, तो हमें लास्ट का फ्रेम जो है वो नहीं बनाना है, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, अभी ये वाला जो हो चुका है यहाँ पे F6 कर देता हूँ मैं, अनलॉक करूँगा और इमेज को मैं यहाँ पे मूव करूँगा, तो हमारी यही लास्ट वाली होगी, तो हमने ये तो किया ही हुआ है, अब सिर्फ क्या करना है, ये वाला एंड जो है वो थोड़ा सा पीछे कर लेता हूँ ऐसे, ठीक है, और पीछे वाला हैंड है उसको सिलेक्ट कर लूँगा कंट्रोल जेड, इमेज को अनलॉक, इमेज को लॉक कर लिया, इसको ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये एक्स्ट्रा पोर्शन है उसको डिलीट कर देते हैं, डिलीट, दूसरी फ्रेम में जाके देखेंगे, यहाँ से भी डिलीट कर देते हैं, ये यहाँ पे नहीं है। तो अब देखिए दोस्तों, आप सही से करें, ठीक है, मैंने जो गलती की वो आप मत कीजिएगा, आप जो पीछे वाला पैर है वो पीछे रखें, आगे वाला जो आगे है वो पहले आप देख लें, ठीक है? तो वैसे आपको जैसे कैरेक्टर है वैसे ही अपने जैसे ये इमेज है वैसे अपने कैरेक्टर को पोज करना है, ठीक है? तो इतने पोज आपको बनाने होंगे, जो लास्ट वाला पोज है वो मत बनाएगा क्योंकि फर्स्ट वाला और लास्ट वाला सेम ही रहता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मुझे डिलीट करना रह गया है, तो इसको सिलेक्ट करके मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, और मैं कंट्रोल एंटर करके आपको दिखाता हूँ, सबसे पहले इमेज को मैं कर देता हूँ डिलीट, और यहाँ पे 30 है, 31 है, 32 है, ठीक है, 32 है, तो बाहर आऊँगा और यहाँ पे 32 पे F5 करूँगा मैं कंट्रोल एंटर करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है, ये चल रहा है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे क्या है, हमारा जो है अंदर हैंड कहीं पे रह गया है एक्स्ट्रा पोर्शन, तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ, डिलीट, और कहीं रह गया है कि देख लेते हैं, ठीक है, नहीं रहा है, तो देखिए दोस्तों, ये कंट्रोल एंटर करता हूँ मैं, तो हमारा एनिमी जो चल रहा है, पिछली बार आपने देखा था जो हमने कार एनिमेट की थी, ठीक है, पिछली बार हमने कार एनिमेट की थी, तब हमने क्या किया था, कार को एक ही जगह पे रखा था और रास्ते को मूव करवाया था, ठीक है? तो आप यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हैं, ये कैरेक्टर चल रहा है, बस नीचे से वो जो है रास्ता मूव होगा,
या फिर सीन है जो पूरा मूव होगा, वो कैरेक्टर रहेगा अपनी जगह, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं इसको F5 दे देता हूँ थोड़ा ज़्यादा सा। ठीक है, यहाँ पे इस कैरेक्टर को मैं यहाँ पे ला देता हूँ और कंट्रोल जेड करता हूँ, यहाँ पे फर्स्ट फ्रेम पे आऊँगा और यहाँ से इसको यहाँ पे लाऊँगा और जो लास्ट फ्रेम है उसको मैं कर दूँगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये F6 नहीं करना पड़ा हमें, अलग ही होगा। यहाँ से मैं क्रिएट क्लास स्ट्रिंग देता हूँ, अब आपको दिखाता हूँ मैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो कैरेक्टर है, वॉक साइकिल कैरेक्टर चल रहा है। ठीक है, हमारा जो वॉक साइकिल है वो रेडी हो चुका है। तो हमने थोड़ी सी गलती की, तो आप ऐसे गलती मत दोहराएगा, आप देख के ही करिएगा। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।